ये बात मैंने आपको मक्खन लगाने के लिए नहीं कही थी, और न इसलिए कही थी कि आप लोग तालियां बजाएं। दरअसल दोस्तों, इस बात में शक नहीं है कि आप लोग ही इस कार्यक्रम के खेवनहार हैं। आपके कंधों पर टिका है ये कार्यक्रम, आप पर ही इसका दारोमदार है। आज आपके चेहरों से लगता है कि आपके अंदर एक आत्मविश्वास है, एक संकल्प है कि भाई ये तो हमारा कार्यक्रम है और हमें ही ये कार्यक्रम चलाना है। इन 10 दिनों की ट्रेनिंग में आप जो कुछ सीख के जा रहे हैं यहां से, उसका इस्तेमाल करेंगे अपने अपने गांव में, और वहां लोगों को बताएंगे कि ये कार्यक्रम महज साक्षरता का नहीं है, ये सिर्फ पढ़ाना लिखाना सिखाने का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में हमारे आपस के सुख दुख को जोड़ने का, गांव की तरक्की का, विकास का कार्यक्रम। आप सब बहुत अच्छे अनुदेशक सिद्ध होंगे, इसमें रत्ती भर भी संदेह नहीं मुझे। एक संकल्प, एक समर्पण और एक मजबूत इच्छा शक्ति के साथ आप लोग इस कार्यक्रम को चलाएंगे। मेरी शुभकामनाएं और धन्यवाद। पहले 4 दिन की ट्रेनिंग के बाद तो ऐसा लगा सरला कि यहाँ बुरे फंस गए। क्यों? अरे सोचा था गांव में बेकार बैठे हैं, चलो थोड़ा बहुत रुपया ही पीट लेंगे, पर पता नहीं क्या क्या करवाना चाहते हैं हमसे। ट्रेनिंग में निचोड़ के धर दिया। ऐसी बात तो नहीं है, मेरा तो शुरू से खूब मन लग गया। 3-3 कापी भरी है मेरी और हर लेक्चर की खास खास बात लिखी है मैंने। लेकिन मेरा मन तो 5वें दिन से लगा जब चुनौती वाली बात आई। ए बहना सुन जरा। ए भाई रुक जरा। क्या बात है? तू बोल ना। तू बोल। नहीं नहीं तू बता। बता दूं? बता दे। बता दूं? बता दे। जता दूं? अरे जता दे। हम लोग परदेसी हैं, यही सोचकर हमारा मजाक बना रहे हैं क्या? नहीं 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 मेरी सरला, हम क्यों मजाक करेंगे भला। आ ऊपर आ। आ ये तो मेरा नाम भी मालूम है। यहाँ बैठो। बैठो बैठो। आ तुम भी आने। तुमसे कभी मिले हैं क्या? हम तो सब कुछ जानते हैं चंद्र प्रकाश भाई, हम तो देना चाहते हैं तुम दोनों को बधाई। बधाई? बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो। अंधियारे से लड़ने वाली तुमने मुहिम चलाई हो बधाई हो बधाई हो। बात एक हम भी बतला दें, अध्यापन की नई कला दें, हर शिक्षा से ऊंची शिक्षा प्रेम के आखर ढाई हो ढाई हो बधाई हो बधाई हो। प्रेम हटा दे काले पर दे, प्रेम सभी मसले हल कर दे, गांठ बांध कर रखना दोनों, बस एक बात बताई हो बधाई हो बधाई हो। अंधियारे से लड़ने वाली तुमने मुहिम चलाई हो बधाई हो बधाई हो। पापा ये तो बताइए आप हैं कौन? हम हैं कौन? हम हैं कौन? बुलबुल क्यों है मौन? अच्छा तो यूं समझ लो कि हम तुम्हारे मददगार हैं और इस प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की हम आत्मा हैं। इस समय हम यही हैं, पर हम कहां नहीं हैं? हम कभी भी कहीं भी जा सकते हैं, गायब हो सकते हैं और फिर आ सकते हैं। तुमने देखा नहीं यहां से कितने लोग गए, मगर किसी ने हमें देखा क्या? किसी ने देखा क्या? क्यों? ये तो कमाल हो गया। ये गायब कैसे हो गए? ऐसे हो गए या वैसे हो गए? ये मत पूछो कि कैसे हो गए। अरे भाई जब हम आत्मा हैं तो कैसे का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। हाँ जब तुम याद करोगे हम फौरन हाजिर हो जाएंगे, और अगर नहीं भी बुलाओगे तो भी हम आ जाएंगे। अच्छे काम के लिए शाबाशियां देंगे और गलतियों के लिए कमियां बताएंगे। लेकिन सबके सामने नहीं, हालांकि हम सबके सामने होंगे पर तुम्हारे सिवाय किसी को नजर नहीं आएंगे, और हम चाहेंगे
तो तुम्हें भी नजर नहीं आएंगे। अच्छा तो अब तुम गांव की तरफ चलोगे? हाँ, वहां जाके सबसे पहले किससे मिलोगे? वहां जाके हम लोगों से मिलेंगे और केंद्र खोलेंगे। और सबसे पहले किससे मिलोगे? जिन्हें हम जानते हैं, जिनसे हमारी दोस्ती है, उनसे। बिल्कुल ठीक। अच्छा बच्चों, तो तुम अब गांव में जाओ, सबसे मिलो, बातें करो, लेकिन वैसे नहीं जैसे ये मुझसे कभी कभी करती है। मतलब? फिर कैसे करेंगे? ढाई आखरों की मदद से। पर कौन से ढाई आखर? प्रेम के। बिल्कुल ठीक। तो हमारी शुभकामनाएं। चलो। और कैसी रही ट्रेनिंग? कितनी पिक्चर देखी दिल्ली में? कैसी पिक्चर यार, ट्रेनिंग में फुर्सत ही कहाँ मिलती थी। क्यों, रात भर शो के लिए भी नहीं? कहाँ, 10-11 बजे तक तो डिस्कशन होते थे और सुबह फिर जल्दी तैयार हो जाओ। सुन यार, गांव में एक प्रौढ़ शिक्षा केंद्र खोलना है। खोल ले। उसे जरा मेहनत से चलाना है। क्यों, गवर्नमेंट ने बहुत पैसा दे दिया है? पैसे की बात नहीं है बनवारी, सोच यार, हमारे गांव के सारे लोग साक्षर हो जाएंगे तो गांव की तो काया ही पलट जाएगी। अच्छा अच्छा, भाषण मत दे। यार भाषण की बात नहीं है, मैं तो तुम्हें सिर्फ समझा रहा था। हाँ मैं समझ गया। ऐसा कर, तू शाम को कबड्डी मैदान में आ जाना, ठीक है? वही सबसे बात करेंगे। ठीक है। ये तो अपने मन की बात है, काम को ज्यादा मानो तो पहाड़ जैसा और ना मानो तो राई। और काम अगर मन का होना तो पता ही नहीं चलता कि काम कब हो गया और कैसे हो गया। अच्छा सुन, तू भी मेरे साथ गांव चल, आज औरतों से बातें करेंगे। पर रामवती के घर भूल के भी मत जाइयो। क्यों? अरे जब से तुझे चुना गया ना, जली भूली बैठी है। अच्छा, उसकी बड़ी तमन्ना थी कि अनुदेशिका बनूं। तब तो उसी के घर सबसे पहले चलते हैं। अरे गजब हो जाएगा। अरे नहीं री, जब बर के छत्ते में हाथ डालेगी ना तब पता चलेगा। चल ना, चल। 20 साल से कोशिशें चल रही है। चंदर तू का समझे, इन अनपढ़ जाहिल गवारों को पढ़ा लेगा तू? हैं? अरे भैया ये ना पढ़ेंगे, इनके तो वही ढाक के तीन पात। एक बंडल देना लाला जी, यहाँ रख दे। अब ये घोरेमल तो घोरेमल ही रहेगा, ये पढ़ लिख के कोई कलेक्टर तो बन नहीं जाएगा। लाला जी घोरे के भी दिन फिरते हैं, ये बात कही फर्स्ट क्लास। ये घोरेमल जब पढ़ जाएगा ना तो बिना देखे तुम्हारे भाई खाते पे अंगूठा नहीं लगाएगा। क्या कहा, तू हमसे बातें करने आया, हमारी इंसलेक्ट करने आया? सही बात सुनोगे लाला? नहीं नहीं चंद्र प्रकाश, क्या फायदा? सही बात तो यह है लाला जी कि मैं तो मजाक कर रहा था। मजाक? अरे मजाक करने तो हमने प्रॉपर वाले से कर। अच्छा, कर रहा था। नमस्ते। राम राम। रामवती क्यों आई है यहाँ, चिढ़ाने आई है मुझे? शहर घूमाई, बन गई अनुदेशिका? देख मेरे सामने नाटक करने की जरूरत ना है जरा भी, समझी? मैं तो पहले ही कह रही थी। क्या कह रही थी, बुराई कर रही थी मेरी? रामवती जब तेरा दिमाग ठंडा हो जाएगा ना तब आऊंगी। क्यों आएगी? बात करनी है तुझसे यूं आऊंगी। बात करनी है तुझसे यूं आऊंगी तो कर। देख तू गुस्सा तो थूक दे, तू सोच रही है मैं अनुदेशिका बन गई तो बड़ी तोप हो गई, बहुत बड़ा कुबेर का खजाना मिल गया मुझे। अरे हमारे गांव में इतनी अनपढ़ औरतें हैं कि 10 अनुदेशिका मिल जाए ना वो भी कम है। तू चला यहाँ का सेंटर, चल। ट्रेनिंग तू करे और सेंटर चलाऊ मैं? हाँ चला, और पढ़ा चल के। सारा सामान अपने पास रख, पोस्टर और जितनी किताबें मिली है ना वो सारी की सारी। ऊपरी मन से कह रही है ना? ऊपरी मन से क्यों कहूंगी, अकेले चल जाएगा सेंटर भला? अकेले तो गोवर्धन पर्वत भी ना उठा था, सबने मिलकर लाठी लगाई तब उठा। और जगन्नाथ जी का रथ कोई अकेले खींच सकता है? हजारों लोग मिलकर खींचते हैं ना तब सरकता है। मट्ठा पियोगी? मट्ठा वट्ठा छोड़, ये बता तेरा घर तो कितना बड़ा है, अगर यही केंद्र खोल ले तो कैसा रहेगा? ये बात तो बहुत अच्छी है, केंद्र भी खोल और मट्ठा भी। चल चल। कैसे हो गुरे भाई? ठीक है भाई, राम राम। चंद्र भाई राम राम। प्रणाम मास्टर जी। जीते रहो जीते रहो, बैठो। सुना है गांव में प्रौढ़ शिक्षा केंद्र खोलने जा रहे हो? हाँ गुरुजी, मगर वहाँ भी आपके बिना कुछ नहीं हो पाएगा। मेरा वहाँ क्या काम,
तुम ठहरे पढ़े लिखे समझदार, सुना है शहर से ट्रेनिंग करके आए हो? मैं ठहरा बच्चों को पढ़ाने वाला, तुम पढ़ाओगे बड़ों को। मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? एक मदद तो आप तुरंत कर सकते हैं। वो क्या? ये लीजिए पन्हैया और मेरे सर पर दनादन मारिए। अरे अरे क्या कर रहे हो बेटा, तुम तो बुरा मान गए। अब बुरा ना माने तो क्या करें, ऐसे बोलों से तो इस पन्हैया की मार कम लगेगी। बचपन में उंगली पकड़ कर चलना सिखाया, ए आ ई सिखाई, शिक्षा दी, और आज जब थोड़ा सा चलने लगे हैं, थोड़ी सी शिक्षा पाली है, तो अकेला छोड़ रहे हैं कि जाओ मरो या सड़ो, हमें क्या। अरे तुम तो बुरा मान गए बेटा, मैं तो ठिठोली कर रहा था। बताओ मैं तुम्हारे किस काम आ सकता हूँ? जो मदद बन पड़ी जरूर करूंगा। तो सबसे पहले मेरे सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दीजिए। बहुत अच्छे चंद्र प्रकाश, बहुत अच्छे। गांव के अध्यापक को हर हालत में अपने साथ रखना। बस अब सारी बाधाओं से लड़ लूंगा, और जब जब आपकी मदद की जरूरत होगी आपको बताऊंगा। ना तो नहीं करेंगे? नहीं करूंगा। गांव में है सरपंच, ग्राम सेवक, मुखिया और पटवारी, इनको भी देनी होगी थोड़ी थोड़ी जिम्मेवारी। हो सकता है वो ये सोचे क्यों ये काम हमारा है, सरला चंदर जाकर उनसे बात करें बारी बारी। कल के बच्चों तुम क्या जानो, वो ऐसा कह सकते हैं, मन में खोट अगर हो तो फिर ऐसे लोग बिदकते हैं। पर मतलब की बात करो और लो सहयोग मिले जो भी, बड़े कदम क्या कभी किसी के रोके भैया रुकते हैं। गांव के हर एक सरपरस्त को तुम्हें साथ में लाना जी, कैसे पाई ट्रेनिंग तुमने सारा हाल सुनाना जी। साक्षरता के नए मिशन में सबके सब सहभागी हो, सब मिलजुल कर काम करें तो आए नया जमाना जी। फिर चल रही निगोड़ी, 10 दिन में तो शहर से अब लौट के आइए, अब कछु चैन से भी रहे घर के, कछु काम काज देखे कर। अम्मा 10 दिन मैंने क्या किया वहाँ पे, कोई मेला तमाशा देखने गई थी क्या? सरला सरला प्यार से ना बोलो तकरार से। अम्मा ये कितने पुण्य का काम है, शिक्षा दान से बड़ा कोई दान है क्या? अब कितनी देर में आवेगी? जल्दी आऊंगी अम्मा, जल्दी आऊंगी, जल्दी आऊंगी, जल्दी आऊंगी। हाँ चंदर। आओ आओ सरला, बैठो। तो कितने लोगों से मिले, आएंगे ना सर? और सब ठीक तो चल रहा है? चल तो रहा है। ठीक क्यों नहीं चलेगा भला, तुम दोनों को आ गई है कला। भाई तुम दोनों ने बात बहुत अच्छी की, तुम दोनों ने स्वयं पाया कि तुम्हें दो तरह के लोग मिले, एक तो सहयोगी और दूसरे असहयोगी। अब ये सहयोगी भी दो प्रकार के होते हैं, एक सक्रिय सहयोगी और दूसरे निष्क्रिय सहयोगी। जैसे तुम्हारा दोस्त बनवारी, सरला की सहेलियां पुष्पा और रामवती, ग्राम सेवक की पत्नी और मास्टर जी, ये सब सक्रिय सहयोगी हैं। हाँ सरला की माता जी निष्क्रिय सहयोगी हैं। इसी तरह असहयोगी लोग भी दो प्रकार के होते हैं, एक कट्टर असहयोगी और दूसरे ढुलमुल असहयोगी। कट्टर असहयोगी जैसे लाला, साक्षरता तो उसके हित में जाती ही नहीं, इसलिए वो तो इसका समर्थन कभी नहीं करेगा। हाँ दूसरे ढुलमुल सहयोगी, उन्हें सहयोगियों में बदला जा सकता है, जैसे पटवारी, ग्राम सेवक और सरपंच। भाई कोई भी नया काम करने से इनके स्वार्थों को चोट पहुंचती है ना। हाँ इनकी आत्मा जाग जाए तो ये भी सहयोगी हो सकते हैं। कोशिश करो कि सबका सहयोग मिले, जिससे जितना मिले उतना लो। तो क्या करोगे, बोलो बोलो, तो क्या करोगे? अभी तो बहुत से लोगों से मिलना है। मैं सोचती हूँ एक एक से मिलने की बजाय कीर्तन मंडली में जाऊँ,
वहाँ एक साथ ज्यादा औरतें मिल जाएंगी। हाँ, बनवारी ने भी मुझसे कबड्डी मैदान में आने को कहा था। बिल्कुल ठीक, समूहों से मिलोगे तो काम एकदम आसान हो जाएगा। अब ये समूह भी दो प्रकार के होते हैं, एक संगठित समूह और दूसरे असंगठित। बात बोल के बताओ, पूरी खोल के बताओ। भाई संगठित समूह जैसे वॉलीबॉल क्लब, कबड्डी ग्रुप, अखाड़ा, व्यायाम शाला, नौजवान सभा जैसे महिला मंडल, कीर्तन मंडल, और असंगठित समूह जैसे बोलो झटपट, जैसे पनघट, जैसे चौपाल। वाह मेरे गोपाल, तुम तो आगे आगे बढ़े जा रहे हो, तुम दोनों को सब कुछ आता है। अरे भाग्यवान, अनुभव अपने आप सिखाता है। अब हम चलेंगे, फिर मिलेंगे जब चाहोगे तो। ऐसे नहीं चंदर, खेल को चलने दो, तुम भी देखो जब खेल रुक जाए अब बात करना। अक्रम, ये चंद्र प्रकाश है, दोस्त है मेरा, गांव में प्रौढ़ शिक्षा केंद्र खोलना चाहता है, तो भैया हम सबको मिलके इसकी मदद करनी है। जरूर करेंगे, प्रौढ़ शिक्षा केंद्र जरूर खोलो, हमारी टीम के कई लोगों के लिए जरूरी है। देखो बनवारी, तुम बताना बाद में, पहले मैं बताता हूँ। देखो जी, पिछले साल में ननिहाल गया था, अखबार में विज्ञापन निकला कि जिले की कबड्डी प्रतियोगिता होगी, और भैया किसी ससुर ने वो अखबार नहीं पढ़ा। अरे पढ़ना आता तो पढ़ते, अटाली की टीम इनाम ले गई। देखो जी, मुझे अकेले से क्या बात करनी है, सबको बुलाता हूँ। ओ महमूद, लक्ष्मी, अरे जग्गा, ओ गणेशी, इधर आ जल्दी, कर लेना जी इनसे बात है। अरे बहना, पनघट पे आए बिना तो जी ही नहीं लगता, अपने सुख दुख की बात करने का मौका इससे अच्छा और कहाँ मिलता है। अरे याद है पिछले साल सरपंच जी ने चौपाल पर नल लगवाया था। अरे वो तो फेल हो गया। अरे एक मिनट में ही गागर भर जाए, फिर क्या करे, और सामने ही चौपाल है, मर्द लोग खड़े रहे, बात करने का मौका ही ना मिले। उस नल की तो किसी ने कील निकाल दी, वो तो खराब पड़ा। अरे नाम मत बताइयो रे। हट पड़े कहाँ बता रही हूँ। और फिर से सब जनी पनघट पे यहाँ लगी। यहाँ आके चाय जितनी देर बात करो। मुझे फायदा तो बहुत था, पर दिल की बात करने को जगह भी तो चाहिए। मैं सोचू नली खराब लगाया है लगाने वालों ने। चलो नल तो ठीक करा लेंगे, पर अब बात करने की जगह होगी हमारा सेंटर। कितनी भी बात कही करूँ,
जी खोलकर पनघट की तरह बातें करो, वहाँ पढ़ाई लिखाई थोड़ी होगी, अरे दुनिया जहान की बातें होंगी, और हमारा सेंटर होगा ज्ञान का पनघट। अच्छा, नहीं तो क्या। अरे भाई चंद्र प्रकाश, तू परेशान क्यों हो रहा है ये बता, परमेश्वर ही अपनी बैठक की चाबी नहीं देता है तो ना दे, तू रमजानी का हाथे में खोल ले सेंटर, भाई दिक्कत का है की है, फिर मेरा भी घेर पड़ा हुआ है। गाँव में जगह की कमी तो ना है, बस लोगों के दिलों में जगह होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक, आप बोलिए पटवारी जी। अरे भाई कहीं कोई दिक्कत है तो कहीं कोई दिक्कत है। चंद्र प्रकाश जी, भाई तुम्हारी कक्षाएं तो रात में लगेंगी ना जी, और हमारी कक्षाएं दिन में लगती हैं, तुम चाहो तो स्कूल में अपना सेंटर खोल सकते हो, पर एक बात है, सामान की जिम्मेदारी तुम्हें लेनी होगी। स्कूल छोड़िए गुरु जी, स्कूल रहने दीजिए, होगा क्या कि वो भी जो है ना पंचायत भवन की तरह बस्ती से दूर पड़ जाएगा। भाई मेरी बात मान लो, मेरे घेर में खोलो सेंटर। बिल्कुल ठीक कह रहा है, ठीक कह रहा है बनवा। वहाँ सब आ जाएंगे, एक तो मेल मुर्रवती लोग हैं, और फिर दूसरे वो जगह गांव के बीचों बीच पड़ रही है, सब आ जाएंगे। भाई बनवारी की बात मान लो, इसी में सबका फायदा। हाँ बिल्कुल, सरपंच जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सेंटर बनवारी का आता है। दीवारी ऐसी है, ऊंच नीच तो रहेगी। ऊंच नीच की बात तो दिमाग से निकाल दो, इस गांव में गरीब से गरीब औरतें आएंगी, हरिजन औरतें भी आएंगी। तेरे कान तो कुछ ऊंचे सुना है सरला। भाभी जय कह रही है कि पोस्टर में ऊंच नीच है, ये पोस्टर ऊंचा और ये पोस्टर नीचा। जय वाला लगा दो। जय देखना यहाँ पे ठीक है, ये पोस्टर इंसानों के लिए लगाया उठने के लिए, नीचे लगा ऐसे। हाँ। नीचे लगा ये, अब देखियो सरला के सेंटर पर तो पोस्टर्स भी लग गए। हाँ ठीक है, क्यों सलग गए? हैं अभी सारे पोस्टर लगा देता हूँ। नहीं 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 ओ भाई अभी नहीं, नहीं 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 ओ भाई अभी नहीं, ये बात ध्यान में धरना, कोई काम अकेले नहीं करना, जब सबके लिए है ये सेंटर तो सबको काहे बिसरना। नहीं 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 ओ भाई अभी नहीं, नहीं 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 ओ भाई अभी नहीं, कल जब सबके सब आए तो पोस्टर स्वयं लगाए, कितने खुश होंगे वो मिलकर आपस में हाथ बटाए। नहीं नहीं ओ भाई अभी नहीं, नहीं 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 ओ भाई अभी नहीं, होता शतरंज में घोड़ा सीधा जो कभी ना दौड़ा, चलता है ढाई घर लेकिन बढ़ता है थोड़ा थोड़ा। ओ नहीं 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 ओ भाई अभी नहीं, नहीं 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 ओ भाई अभी नहीं, क्यों चले भला ढाई घर का टेढ़ा मेढ़ा चक्कर, अपना रास्ता तो है सीधा वो प्यारे ढाई आकर। भैया बोलो बोलो जरा मुँह तो खोलो, भैया बोलो बोलो जरा मुँह तो खोलो, वो पान से ढाई आकर। प्रेम के, हाँ प्रेम के ढाई आकर, हाँ प्रेम के ढाई आकर।